अस्सलाम वालेकुम। हम इंटरव्यू टेक्निक्स देख रहे थे, द इम्पोर्टेंस ऑफ रैपो। इंटरव्यू टेक्निक्स में आज हमारा मौजू रहेगा रैपो बिल्डिंग, द इम्पोर्टेंस ऑफ रैपो। कब जब भी कोई क्लिनिशियन अपने क्लाइंट्स का इलाज करता है तो रैपो बिल्डिंग बुनियादी हैसियत रखती है। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो आपके क्लिनिकल इंटरव्यू को बेहतर से बेहतर कर देगी। रैपो बिल्डिंग के लिए आपको क्या करना होगा, कौन सी स्ट्रेटजीज कारामद होंगी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि रैपो अज खुद होती क्या है। रैपो हैज़ बिन डिफाइंड एज द सेंस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। ये एक रिलेशन है, ये एक कनेक्शन है, ये एक सिंपैथेटिक रिलेशन है क्लाइंट और साइकोथेरेपिस्ट के दरमियान। अगर ये ना हो तो क्लाइंट का आप किसी भी तरह से इलाज नहीं कर सकेंगे। क्लाइंट अगर आपको ट्रस्टवर्दी समझेगा, आप पे भरोसा करेगा, तो ही आपके साथ शेयरिंग करेगा। अदरवाइज क्लाइंट आपके साथ अच्छा फील नहीं करेगा, इस तरह से आप उसको साइकोलॉजिकल हेल्प नहीं दे सकोगे। द सेंस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मोनी दैट करेक्टराइजेज अ गुड रिलेशनशिप। इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड दैट रैपो इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर सक्सेसफुल क्लिनिकल वर्क। ये बहुत ज़रूरी है कि आप रैपो बिल्डिंग की टेक्निक्स जानते हों, आपकी रैपो अपने क्लाइंट के साथ अच्छी बिल्ड हो। एक गुड रैपो बिल्डिंग आपके इलाज मुआलजे के प्रोसेस को बेहतर कर सकती है। और अगर आप में वो टैक्स, वो सलाहियत, वो स्किल्स नहीं हैं जो एक अच्छी रैपो बिल्डिंग के लिए ज़रूरी हैं, तो आप अपने क्लाइंट का बेहतर इलाज नहीं कर सकेंगे। इट मे बी इम्पॉसिबल फॉर अ क्लिनिशियन टू ऑब्टेन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ क्लाइंट्स बिहेवियर, फीलिंग्स एंड एटीट्यूड्स इफ़ द क्लाइंट डज नॉट ट्रस्ट द क्लिनिशियन और इफ़ द इंट्रैक्शन इज एक्रीमोनियस। अगर आपका इंट्रैक्शन क्लाइंट के साथ तकलीफ दे है, आपका क्लाइंट आप पे भरोसा नहीं करता, तो आप उससे उसके बिहेवियर्स को, उसकी फीलिंग्स को, उसके एटीट्यूड्स को नहीं जान पाएंगे। और जब आप उसके फीलिंग्स से आगाह नहीं होंगे, आप उसके एटीट्यूड से आगाह नहीं होंगे, तो आप उसे किस तरह साइकोलॉजिकल गाइडेंस या हेल्प दे सकेंगे। द क्लाइंट हु परसीव्स द क्लिनिशियन एज केयरिंग, इंटरेस्टेड, कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्टवर्दी विल रिस्पोंड टू द डायरेक्टिव। अगर आपको आपका क्लाइंट काबिले भरोसा समझे, केयरिंग समझे, कॉम्पिटेंट समझेगा, वैलिड जानेगा, इंटरेस्ट लेगा आप में, तो फिर ही वो आपके साथ शेयरिंग करेगा। फिर क्लिनिशियन इस पोजिशन में होगा कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन कर सके, जैसे कि Tell me about your sex life. Very differently from the client who perceives the clinician as bored, incompetent or manipulative. अगर client की जानिब से clinician को या psychologist को bore समझा जाए, ठीक है, incompetent समझा जाए, तो फिर इलाज नहीं हो सकता। एक अच्छी rapport building इलाज के chances of recovery को बढ़ा सकती है। Greeting the client in a warm and friendly manner, shaking hands and offering a cup of coffee can all be seen as strategies for building rapport. आप अपने क्लाइंट को आसानी फ्राहम करें, अपने क्लाइंट का हाल दरियाफ्त करें, क्लाइंट का हाल चाल पूछ लेना, उसे कॉफ़ी की पेशकश दे देना, उससे सलाम दुआ कर लेना, ये आपकी रैपो बिल्डिंग को बेहतर कर सकते हैं। Empathy, genuineness and unconditional positive regard, ये वो चीज़ें हैं जो आपकी रैपो बिल्डिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। एस्टैब्लिशिंग रैपो कैन बी पर्टिकुलरली चैलेंजिंग व्हेन द क्लिनिशियन एंड क्लाइंट कम फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। अच्छा, रैपो बिल्डिंग दुश्वार होती है तब जब आपका क्लाइंट किसी और कल्चर से है और आप एज अ क्लिनिशियन किसी और कल्चर से बिलोंग करते हैं। ऐसे में मुश्किल होता है रैपो बिल्डिंग, ऐसे में दूसरे को ये महसूस करवाना कि मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, ये बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी। आवर कल्चरल एक्सपीरियंसेस शेप आवर व्यू ऑफ आवर सेल्स, अदर्स एंड द वर्ल्ड। क्लिनिशियन एंड क्लाइंट्स परसेप्शंस ऑफ ईच अदर आर स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर कल्चरल अपब्रिंगिंग। जिस कल्चर में क्लाइंट पला बड़ा है, जिस कल्चर में क्लिनिशियन पला बड़ा है, उसके ऊपर गहरी छाप होगी उस माहौल की, जो वो दूर नहीं कर सकेगा। द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग रैपो विद अ कल्चरली डिफरेंट क्लाइंट इन्वॉल्व्स एजुकेटिंग वन सेल्फ अबाउट द कम्युनिकेशन पैटर्न्स
यूज्ड इन द क्लाइंट्स कल्चर। ऐसे में क्लिनिशियन को ज़्यादा जानने की ज़रूरत होगी। क्लिनिशियन के लिए ज़रूरी है कि वो अपने क्लाइंट के कल्चर से मुकम्मल वाकफियत रखता हो, फिर ही एक अच्छी रैपो बिल्ड हो सकती है, अदरवाइज बहुत दुश्वारी होगी। द चैलेंज फॉर द क्लिनिशियन इज़ टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स वर्ड्स, बिहेवियर्स एंड कॉन्सेप्ट्स सो दैट दीज कैन बी यूज्ड टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। एक क्लिनिशियन के लिए ज़रूरी है कि वो अपने क्लाइंट की वर्डिंग को अंडरस्टैंड कर सके, उसके बिहेवियर्स को सही तरह से जान सके। मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ। इंटर्नशिप के दौरान मैंने देखा कि एक साइकोलॉजिस्ट वो जब इनटेक इंटरव्यू ले रही थी अपनी क्लाइंट से, तो उसने उससे सवालात पूछे। उसने उसे पूछा कि माँ जी आपकी तबीयत कैसी है। तो खातून जो है उसने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग जवाब दिया उसे कि मेरी तबीयत हुन वाले वल, आपको पता होना चाहिए कि वाले वाले से क्या मुराद है। तो ऐसे में साइकोलॉजिस्ट लड़की ने कहा कि क्या हुआ माँ जी, आपको वल पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उसके कल्चर से नावाकिफ है, उसकी लैंग्वेज से नावाकिफ है, ऐसे में वो कैसे उसका इलाज कर सकेगी। ऐसे में क्लाइंट के ऊपर जो इमेज पड़ेगा वो ऐसा पड़ेगा कि ये इनकम्पिटेंट है, इसे तो पता ही नहीं चलता। अभी आपने सुना होगा कि एक बूढ़ी खातून एक DCO के पास जाती है और वो उसे अपनी कंप्लेन करती है उसे, तो वो उसे कहता है वकील करवाओ। उसे समझ नहीं आती उसी उसकी वर्डिंग की, तो वो उसे कहता है माँ जी जाके वकील करवाएं। तो माँ जी ने कहा समझ तुम्हें नहीं मेरी बात की आ रही और वकील मैं करवाऊँ। ये वाली कैफियत नहीं होनी चाहिए, आपको अपने क्लाइंट की मुकम्मल समझ होनी चाहिए, बल्कि आप अपने क्लाइंट के कल्चर के अकॉर्डिंग बिहेव करें, उसके कल्चर को देखते हुए अपनी वर्डिंग का इंतखाब करें। एस्टैब्लिशिंग रैपो विद अ कल्चरली डिफरेंट क्लाइंट यूजुअली टेक्स लॉन्गर देन इट डज वन वर्किंग विद इन वन्स ओन कल्चर। जब क्लिनिशियन अपने कल्चर के पेशेंट से, अपने कल्चर में रहने वाले किसी क्लाइंट से मुखातिब होता है, इलाज करता है, तो वो बहुत आसानी से इलाज कर सकता है, और जब उसे किसी दूसरे कल्चर से रिलेटेड पेशेंट्स मिलते हैं तो उसे इलाज में दुश्वारी आती है, रैपो बिल्डिंग में दुश्वारी आती है, वो दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। तो ऐसे में ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट होगा कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज़। अब कम्युनिकेशन दो तरह की होती है, एक है वर्बल कम्युनिकेशन, एक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दोनों में बड़ा तवाजुन होता है। कोई भी शख्स अपने नॉन वर्बल क्यूज से 82% चीज़ें वाज़े करता है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन वर्बल क्यूज, नॉन वर्बल लैंग्वेज 82% कम्युनिकेशन का ज़रिया है और बाकी 18% वर्बल लैंग्वेज है, वर्बल क्यूज हैं। यानी कि अल्फाज ही सब कुछ नहीं होते, बल्कि आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, आपका पोस्चर, ये सारी चीज़ें चीख चीख कर अपने बारे में बता रही होती हैं। क्लाइंट के आपको नॉन वर्बल क्यूज को देखना होगा, असेस करना होगा। ये तभी मुमकिन है जब आपको वर्बल और नॉन वर्बल स्ट्रैटेजीज़ के बारे में पता होगा, फिर ही आप एक इफेक्टिव इंटरव्यू कर सकेंगे, क्लिनिकल इंटरव्यू कर सकेंगे। कुछ वर्बल स्ट्रैटेजीज़ का तذکرہ किया गया है। कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक क्लिनिशियन है असलम, वो अपने क्लाइंट से कैसे सवाल करेगा। दोनों की आप नौयत देखें, सवालात करने का अंदाज देखें। हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स। और दूसरा क्लिनिशियन अकरम, वो कैसे सवाल करेगा अपने क्लाइंट से। डिड यू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स। आपको पता है कि पहले वाले क्लिनिशियन ने ओपन एंडेड क्वेश्चन किया है और दूसरे क्लिनिशियन ने क्लोज एंडेड क्वेश्चन किया है। जब भी आप किसी का इनटेक इंटरव्यू लें, इनिशियल असेसमेंट के दौरान जब आप क्लिनिकल इंटरव्यू लेते हैं, तो तब आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन ज़्यादा करने होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन की कोई अहमियत नहीं है, बल्कि एक अच्छा क्लिनिशियन महारत जिसे है, वो दोनों का कम्बिनेशन इस्तेमाल करता है। वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस को मिला के करेगा अपने क्लाइंट से। लेकिन जब इनिशियल इंटरव्यूइंग हो रही होती है, तो फिर तब ओपन एंडेड क्वेश्चंस की अहमियत ज़्यादा होती है। शुरुआत के दिनों में जब आप सेशन का आगाज़ करते हैं, आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती अपने क्लाइंट के बारे में, तो तब ओपन एंडेड क्वेश्चंस बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं। ये दोनों क्लिनिशियन इंटरेस्ट रख रहे हैं, उससे उसकी ज़ाती इन्फॉर्मेशन पूछना चाह रहे हैं, लेकिन दोनों का अंदाज़ मुख्तलिफ है। एक के जवाब में वो शायद कह सकता है कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, येस और नो की फॉर्म में जवाब देगा, जबकि जो पहला क्लिनिशियन है उसका क्वेश्चन ओपन एंडेड है, उसके जवाब में वो तफसील से जवाब दे पाएगा। तो आप में ये सलाहियत होनी चाहिए कि जब भी आप गुफ्तगू करें,
जब भी आप इंटरव्यू करें तो आपकी जो वर्डिंग है वो बड़ी मैटर करती है। आपकी वर्डिंग में हाउ, वेयर, ऐसी वर्डिंग होनी चाहिए जिससे ओपन एंडेड का तासुर जाए और क्वेश्चन का जवाब वसी पैमाने पे आपके क्लाइंट दे पाए। बोथ क्लिनिशियंस आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग द सेम इंफॉर्मेशन अबाउट देयर क्लाइंट्स। क्लिनिशियन असलम वर्ड्स द क्वेश्चन सो दैट द क्लाइंट कैन प्रोवाइड अ फुल रेंज ऑफ आंसर्स। असलम के जवाब में वो ज़्यादा जवाब दे पाएगा क्लाइंट। दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन डोंट लिमिट अ क्लाइंट्स रिस्पॉन्सेज। इसमें लिमिट नहीं किया जाता अपने क्लाइंट को। ओपन एंडेड क्वेश्चन टेंड टू स्टार्ट विद वर्ड्स सच एज वट, हाउ, वेन, वेयर एंड हु। इन वर्डिंग के साथ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि ओपन एंडेड होते हैं, जिससे एक अच्छा तासुर जाता है आपके क्लाइंट को और आपका क्लाइंट अपना जवाब लिमिट नहीं करता बल्कि वसी जवाब देता है। जब कोई भी क्लाइंट वसी जवाब देगा तो उसमें से आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल होगी जिससे आपको उसके डायग्नोसिस में मदद मिलेगी, उसके बिहेवियर सैम्पलिंग में मदद मिलेगी, आपको पता चलेगा कि आपके क्लाइंट के एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं क्या। Other ways of asking for the same information is an open-ended fashion might be, tell me about your relationship with your parents. ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अपने वालदैन के साथ मुझे अपने ताल्लुकात की नौयत बताओ। अगर ये ऐसा पूछने के बजाय ऐसा पूछा जाए कि तुम्हारे वालदैन के साथ तुम्हारे ताल्लुकात ठीक हैं, तो हो सकता है वो कहे यस या वो कहे नो। तो ये लिमिट कर दिया आपने क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछ के। मैं ये नहीं कहूँगा कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछने, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं, मगर इनटेक इंटरव्यू में पहले सेशंस में आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछेंगे। क्लिनिशियन अक्रम वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन लिमिट्स द क्लाइंट्स चॉइस ऑफ रिस्पॉन्सिस। इट कैन बी आंसर्ड विद अ सिंपल यस और नो एंड प्रोवाइड्स मच लेस इंफॉर्मेशन। ओपन एंडेड क्वेश्चंस आर यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन एन इनिशियल इंटरव्यू और व्हेन इनिशिएटिंग डिस्कशन ऑफ अ न्यू टॉपिक एरिया। जब आप कोई नई मालूमात नए टॉपिक पे बात कर रहे हैं या इनिशियल इंटरव्यू कर रहे हैं तब ज़्यादा ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एज द इंटरव्यू प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे इंटरव्यू आगे बढ़ेगा, हाउएवर द क्लिनिशियन इज इंटरेस्टेड इन गैदरिंग मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, फिर आप लिमिट कर सकते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ताकि टॉपिक पे स्ट्रिक्टली वो रह सके। थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ अप्रोप्रिएट क्लोज क्वेश्चंस माइट बी of all the problems we discussed, which bother you the most? कौन सी चीज़ तुम्हें ज़्यादा परेशान किए हुए है? Is there a history of depression in your family? क्या आपके ख़ानदान में पहले किसी को डिप्रेशन की शिकायत रही है? Are you planning a look for a job in the next few months? ऐसे questions पूछ सकते हैं। Close questions help to narrow the topic area of discussion and आर यूजफुल इन गैदरिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। जब आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, आप चाह रहे हैं आपका क्लाइंट इधर उधर की बातें ना करें, तो फिर क्लोज एंडेड क्वेश्चन ज़्यादा बेहतर समझे जाते हैं ताकि हमारा क्लाइंट इधर उधर की बातों में ना भटक जाए बल्कि जो पूछा जा रहा है वो मखसूस इंफॉर्मेशन तक आप पहुँच सकें। इसलिए क्लोज एंडेड क्वेश्चन की अहमियत अपनी जगह पर है।